देखिए तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 11 का सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आज हम लोग लास्ट यूनिट पढ़े। यूनिट का नाम क्या बताइए? टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत कुछ सीखोगे आप, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ नया भी लगेगा, बहुत कुछ पुराना भी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते किसको है? 6 मार्क्स का चैप्टर है, एमसीक्यू पैटर्न है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग भी एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे। मार एमसीक्यू, मार एमसीक्यू, ओ माय गॉड, खाली एमसीक्यू एमसीक्यू, समझ रहे हो ना? क्या करेंगे वो, मार एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट कर रहे। तो भाइयों और बहनों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है, वो सारा चीज आपको हम अभी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट बताइए? तो आपके मन में एक सवाल आ जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है समथिंग विच हैज लीगल वैल्यू। कोई भी चीज जिसका लीगल वैल्यू होता है, जिसका कानून की नजरों में इज्जत है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट बताइए? लीगल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते बाबू? इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली जो कागज होता है, जैसे हम लोग कोचिंग का नोट्स है, ये सब क्या है? एक नॉर्मल कागज है। नॉर्मल कागज है वो इज्जत है, बताइए। ये नॉर्मल कागज, इसका कोई इज्जत है? नहीं, इसका कोई इज्जत नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। इसका कोई वैल्यू है? नहीं। इसका वैल्यू आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए बस एग्जाम तक इसका वैल्यू है, उसके बाद इसका वैल्यू नहीं। भाइयों और बहनों, भाइयों और यस, वेरी गुड। तो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है। देखिए, ये सिर्फ ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, ये लीगल कागज का टुकड़ा नहीं। लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा? आपका घर का एग्रीमेंट का पेपर, या आपके प्रॉपर्टी का कागज, ये सारा चीज क्या है बताइए? लीगल कागज। लीगल कागज मतलब कोई भी ऐसा लीगल पेपर जिसका कानून की नजरों में वैल्यू हो, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है बाबू? इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला बात तो ये हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जांपल है किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। 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 दूसरा बात कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए इंडिया में एक लॉ बनाया गया, उस लॉ का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लॉ का नाम क्या बोलो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आपसे पूछेगा बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा लॉ से चलता है, तो आंसर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से इंडिया में तीन चीज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया। कितना चीज का बाबू? तीन। एक होता है प्रोमिसरी नोट, एक क्या था बोलो? एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक क्या होता है बोलो? बिल्स ऑफ। और लास्ट होता है चेक। क्या होता है बाबू? चेक। क्या होता है बाबू? चेक। क्या होता है बाबू? चेक। ये तीन, देखो टॉपिक का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये तीन टॉपिक बैकग्राउंड के लिए जरूरी था। जल्दी बताइए, इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा ईयर में आया था? 1881। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल। पर यह होता क्या आपको बताएंगे 2 मिनट बाद, पहले बैकग्राउंड समझिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कानून कौन से ईयर में आया था, और इंडियन लॉ के हिसाब से कितना चीज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया? प्रॉमिसरी नोट। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है, वैसे प्रॉमिसरी नोट भी एक डॉक्यूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या बाबू? चेक। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या बाबू? चेक। क्या क्या बोलो? प्रॉमिसरी, बिल्स ऑफ और क्या बाबू? चेक। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है 4 इंडियन लॉ के हिसाब से। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन क्या बताइए? 4। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना बाबू? 5। और चेक का सेक्शन है 6। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना बोलो? 4। बिल का, चेक का। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा सेक्शन है जहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखा गया? सेक्शन 5। और कौन सा सेक्शन है जहां प्रॉमिसरी नोट के बारे में लिखा गया? सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन है जहां चेक के बारे में लिखा? सेक्शन 6। तो इस चैप्टर में आप क्या प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ोगे? नहीं। चेक के बारे में पढ़ोगे? नहीं। किसके बारे में पढ़ोगे बताओ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा आप पढ़ोगे किसके बारे में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ क्या बोलिए? एक्सचेंज। ठीक है, लिखिए एक एक करके, पहले 3 पॉइंट लिखिए फिर बात करते। अभी तक बिल के बारे में आपको बताया नहीं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनईजीओ टी आई ए
negotiable 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 लिख लियो. इंस्ट्रूमेंट का स्पेलिंग बोले क्या? नेगोशिएबल. अब क्या बाबू बताइए? इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का स्पेलिंग बोलिए. हम बोलेंगे ना, लिखिए आई एन एस टी आर यू एम ई एन टी इंस्ट्रूमेंट. कोई बात नहीं, अब देखिए 11 होता ही सीखने के लिए. इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. देखिए जैसे आप जब लिखना सीखे हो, बहुत सारी चीज हम लोग लिखे, बहुत सारे नोट्स हम लोग बनाए हैं क्लास में बैठ बैठ के. तो जो नोट्स क्लास में बैठ बैठ के बनाए, बहुत सारा चीज आपने, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, बहुत सारी चीज आप सीख भी लियो. अगर रेडीमेड नोट्स इन चीजों का दे देते तो शायद आप वो सब चीज सीख नहीं पाते. इसीलिए बहुत सारी चीजें लिखने से भी आपको पता चला कि इसका स्पेलिंग ये होगा, ये होगा. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख दिया बाबू. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द लीगल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट. लीगल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट प्लीज लिखिए ना. लीगल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट. लीगल लीगल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट हो गया बाबू. पॉइंट नंबर टू में आओ ना. पॉइंट नंबर टू में है, कैसे बोल रहे हो यार? आदमी भी गलत समझ लेगा, ऐसे बोल रहे हो, पूरा फीलिंग लेके बोल रहे हो. देखो देखो क्या लिखे बाबू. अच्छा पॉइंट नंबर टू लिखिए. इट इज कंट्रोल्ड बाय प्लीज लिखिए ना प्लीज. इट इज कंट्रोल्ड बाय. अब देखो यहाँ पे आप लोग का मेहनत बचा देंगे जिससे आपको ज्यादा लंबा इंग्लिश ना लिखना पड़े. इट इज कंट्रोल्ड बाय लिख लिया ना. उसके बाद क्या लिखोगे? इट इज कंट्रोल्ड बाय एनआई एक्ट. एनआई मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. एनआई एक्ट 1881. इट इज कंट्रोल्ड बाय एनआई एक्ट 1881. अच्छा एनआई क्या फुल फॉर्म? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बस साधारण रहो और सतर्क रहो. एनआई एक्ट लिख दिए. तीसरा पॉइंट लिखिए. अभी तक हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में गए नहीं. बिल क्या होता है? दुनिया वाले देते हैं डील, आप लोग बनाओगे बिल, लेकिन बिल होता क्या? वो तो अभी लोग पढ़े ही नहीं, अभी सिर्फ बैकग्राउंड पढ़ा रहे. तीसरा लिखिए. फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. लिखिए आओ प्लीज. फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अब इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना है, हर जगह आने मत लिखिए. फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पैराग्राफ चेंज. पैराग्राफ रेडी ना? पैराग्राफ चेंज अब लिखो. चलिए भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है? पहला क्या होता है बताइए? प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट उसके अंदर ब्रैकेट में लिखोगे सेक्शन 4, जैसे हमने लिखा है प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4. स्पेलिंग बोले क्या? प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4. चले जल्दी लिखो ना, वेट नहीं कर पा रहे. मेन तो बिल पढ़ाना है ना, मेन तो बिल के बारे में पढ़ाना है, लेकिन ये तो बैकग्राउंड है, पढ़ना पड़े. दूसरा लिखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सेक्शन याद कर लीजिएगा, बहुत पूछते हैं एमसीक्यू में. बिल्स ऑफ क्या बाबू? एक्सचेंज सेक्शन 5. और तीसरा हो गया आपका चेक. आपका सेक्शन 6. ये हो गया बैकग्राउंड. ये टॉपिक को समझने के लिए बैकग्राउंड जरूरी था. प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या बाबू? चेक. लिख लियो पक्का ना? लिख लियो हो तो चलो आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट. अब यहां से शुरू होता है बिल का कहानी. तो देखिए मैं तो एक्चुअली क्या ना, कभी कभी पूछ रहे थे कि भाई इंडिया में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा लॉ से कंट्रोल होता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. इंडिया में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 5. क्लियर है गाइस? और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका कानून की नजरों में वैल्यू है. बात समझे ना? तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 3 एग्जांपल में से ये भी एक एग्जांपल है. अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, एक्चुअली क्या है और क्यों इसका जरूरत पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है बिल? जिस उम्र में दुनिया वाले दिल देते हैं उस उम्र में आप लोग बिल बनाते हो. क्या बनाते हो? बिल. पर आखिरकार ये बिल है क्या, वो आपको जानना होगा. बिल किसको बोलते हैं? भाइयों और बहनों आप खुद सोच के देखो, जब हम लोग जब सामान बेचते हैं, हम लोग दो तरीके से बेचते हैं, एक कैश में बेचते हैं और एक क्रेडिट में बेचते हैं. कोई भी सामान जब हम लोग बेचते हैं तो वी आइदर सेल इन कैश और वी सेल इन क्रेडिट. जब हम लोग कोई सामान को कैश में बेचते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं.
दिक्कत तो तब होता है जिंदगी में जब सामान कैसे बेचते हैं, उधार, उधार मतलब क्रेडिट। आप खुद सोचो ना, अगर किसी को कैश में कुछ बेचोगे तो कोई झमेला है नहीं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हो, ट्यूशन खत्म होने के बाद आप अपना टेम्पररी जीवन साथी के साथ, टेम्पररी जीवन साथी के साथ मान लीजिए फुचका खाने के लिए गए, क्या खाने के लिए, वो जी फुचका खाने के लिए गए, वहां पर फुचका वाला को आप 10 रुपए का फुचका खाए, आपका बाबू 10 रुपए का फुचका खाए और आप 10 रुपए पेमेंट कर दिए, कोई प्रॉब्लम है? कभी देखे हो कि फुचका का पेमेंट करने का फुचका वाला आपको आपका नाम पूछता है, आपका मोबाइल नंबर मांगता है, कहां से रहते हो बताओ, क्यों नहीं पूछता बताइए? क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया। और एक बिजनेसमैन का पर्पज ही होता है कैश कमाना। अगर आप मेरा पैसा दे दोगे तो हमको आपका डिटेल लेकर के हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम तो तब होता है जब आदमी पैसा नहीं देता है, और ऐसा तब होता है जब सामान कैसे बेचते हैं, क्रेडिट में। अगर आप किसी को क्रेडिट में सामान बेचोगे, क्रेडिट मतलब उधार में, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लीजिए हम आपको उधार में सामान बेचे, आप बोले कि भैया 3 महीना बाद आपको पैसा दे देंगे, दे देंगे, वो 3 महीना कभी आया ही नहीं। ऐसा हो ही सकता था, समझे ना? दुकान में, बिजनेस में ऐसा होता है, आदमी बोलता बहुत है लेकिन करता कुछ भी नहीं, और इंसान का बोली का तो कोई दाम ही नहीं, बात समझे ना? इंडिया का मौसम और इंडिया का इंसान बहुत जल्दी पलटी मार देते, लोगों का बोली का कोई दाम नहीं, बात समझे ना? इसीलिए ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके रखते हो। स्क्रीनशॉट क्यों लेके रखते हो? कि तुरंत दिखा देंगे कि तुम तो ऐसा बोले थे बाबू, तुम तो ऐसा बोले थे। तो व्हाई यू टेक स्क्रीनशॉट एज अ प्रूफ? आप स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो? ऐसा प्रूफ लेते हैं, आप ही किसी को कुछ भयानक बात लिख के भेजे होंगे, वो स्क्रीनशॉट लेके रखा हो, समझ के रखिए, बात समझे ना? इसीलिए बाबू समझ जाओ, ये सब समझ रहे हो ना, स्क्रीनशॉट समझदार बन जाओ। स्क्रीन इसीलिए देखो, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, तो बस समझ रहे ना, बिजनेस में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखिए जो लोग बेवकूफ होते हैं वो लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेसमैन आप लोग जैसे चलाक लड़का लड़की लोग ही बिजनेसमैन बनते हैं। जो लोग का दिमाग बहुत शार्प है, बस में सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, होते कुछ और हो, यही आपका कैरेक्टर, ये इंसान का रियल कैरेक्टर है बिजनेसमैन का, यहां पर भी। तो जब हम लोग कैश में सामान बेचते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जब हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो वहां पे रिस्क होता है कि सामने वाला आदमी पैसा दे भी सकता है और नहीं भी सकता। तो क्या करें ऐसा? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए आप हम कम से सामान खरीदे, आप बोले भैया 3 महीने बाद पैसा दे देंगे, 3 महीने बाद जब हमका घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो आपका जो धर्म पत्नी होगी वो बोलेगी कि बबलू के पापा नहीं है, बस ठीक है, बबलू के पापा नहीं है, पापा आप लोग किसी का नाम बबलू नहीं ना, आपको का तो माइंड मत करिएगा, ठीक है? अब देखिए, तो आप ऐसे बोलोगे, अच्छा आपको फोन करेंगे तो आप ब्लॉक कर दोगे, मैसेज करेंगे तो आप हमसे बात नहीं करोगे, तो ये क्या हो रहा बाबू, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आदमी सामान लेने टाइम में ले लेता है लेकिन पैसा देने नहीं मांगता है। इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट लाया गया हम लोग की कंट्री में, उस कॉन्सेप्ट का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कब सामान बेचे, किसको सामान बेचे, कितना रुपया का सामान बेचे, कब पैसा दोगे, कितना तारीख को पैसा दोगे, सब चीज लिखा रहता है कहां पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक जमाना में गाना था, हम दिल दे चुके था ना, हम दिल दे, यहां पे हम बिल दे चुके, वहां पे क्या था, हम दिल दे चुके, यहां पे आप क्या बोलोगे, हम बिल। जैसे आप उधार में सामान खरीदे, हम आपके नाम पे क्या किया, एक बिल बना दिया, क्या बना दिया आपको, बिल। इस बिल में क्या क्या लिखा रहता है, कब सामान बेचे, कितना तारीख को सामान बेचे, कितना रुपया का सामान बेचे। आप कभी भी अपने वर्ड से बैकआउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरे पास ये प्रूफ है, क्या बाबू, प्रूफ। आप जैसे बोलोगे ना भैया हम सामान नहीं लेते, फेंक देंगे तुम्हारा मुंह पे बेटा, बस ऐसे फेंक देंगे। लो कैसे आप बोल रहे हो, आप तो बोले थे ना कितना तारीख को, इतना तारीख को, इतना बजे ये सामान, इतना क्वांटिटी में खरीदे थे आप। देखिए मेरे पास बिल है, मेरे पास क्या है, बिल। आपका पास क्या है, दिल, और मेरे पास क्या है, बिल। भाई और बहनों, तो बिल, अब यहां से भी कॉन्सेप्ट निकल गया, बिल कब बनता है, बिल कैश ट्रांजेक्शन में बनता है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब बिल वर्क्स एज अ प्रूफ फॉर द पेमेंट, वो एक प्रूफ प्रमाण की तरह, क्योंकि लीगल कागज है, इसका कानून की नजरों में वैल्यू, इसका कानून की नजरों में वैल्यू। जैसे एग्रीमेंट का पेपर होता है वो नॉर्मल पेज पे नहीं होता, उसका एक अलग पेपर होता है, स्टैम्प पेपर होता है। तो वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इलीगल डॉक्यूमेंट है जहां पर सारा डिटेल लिखा रहता है, आपने कब सामान बेचा, किसको सामान बेचा, कितना तारीख को सामान बेचा, कब पैसा मिलेगा, कितना दिन बाद पैसा मिलेगा, ये सारा बात जिस कागज में लिखा रहता है उस कागज को क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए ना, बोले लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज is used, bills of exchange is used at the time of credit transaction। बिल किस चीज में यूज करते, बोलो कैश में ना, क्रेडिट में। नेक्स्ट बोले, देखिए
बिल्स ऑफ एक्सचेंज जी, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का सारा बात लिखा रहता है कहां पे बाबू, बिल में, ऑफ द अबाउट द ट्रांजेक्शन। फिर से बोले क्या बाबू, हो गया क्या? तो ट्रांजेक्शन का सारा बात कहां लिखा रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से एमसीक्यू क्या क्या बनता है, इतना पॉइंट आप पढ़े, इसमें से एमसीक्यू क्या बना कि बिल का सेक्शन कितना है, पांच, बिल का सेक्शन कितना है, बिल का सेक्शन पांच। अच्छा, बिल नॉर्मल कागज है ना, लीगल कागज है, बिल कागज है कि नॉर्मल कागज है कि लीगल कागज है, क्या बात है। और बिल का इस्तेमाल कैश ट्रांजेक्शन में करते हैं ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल, सिंपली हम लोग बिल बोलते हैं। बिल में तीन पार्टीज होते हैं, जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है हम लोग इंडियन लॉ के हिसाब से, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, तीन। किसी के स्कूल में हुआ होगा तो आप सुने होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं बताइए, तीन। कितने पार्टी होते हैं, तीन। कितने पार्टी, तीन। तीन पार्टी कौन है भाई, एक होता है ड्रॉअर, एक का नाम क्या है ड्रॉअर, एक का नाम है ड्रॉई, ड्रॉई, और एक का नाम होता है पे। क्या नाम बताओ बाबू, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते बताओ, आपसे पूछेगा एमसीक्यू में हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक दो तीन, कितने पार्टी बताइए। पहला पार्टी का नाम है ड्रॉअर, क्या नाम है, दूसरा का नाम है ड्रॉई, ड्रॉई, तीसरा का नाम है पे, ई, पे। बताइए हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थ्री। एमसीक्यू में पूछेगा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी है, बोलो ना, थ्री, प्लीज बोलो, थ्री। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, तीन, एक होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है पे। अच्छा, तीनों में अंतर क्या है, जो आदमी बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर, जिसके ऊपर बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, और जो आदमी पैसा लेने जाता है उसको बोलते हैं पे। इसका एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक्स बिल बनाया वाई के ऊपर, कौन बिल बनाया, एक्स, किसके ऊपर, वाई के। तो यहां पर बिल बनाने वाला कौन है, एक्स, उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉअर। किसके ऊपर बनाया, वाई, वाई कौन है, और पैसा लेने जेड को भेज दिया, जेड कौन, बोले बिल कौन बनाया, एक्स। तो बताइए द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज, द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, ड्रॉई, एंड द पर्सन हु इज सेंट टू कलेक्ट द मनी, पे। फिर से बोले, जो बिल बनाता है, जिसके ऊपर बनाता है, जो पैसा लेता है, जो बिल बनाता है, जिसके ऊपर, जो पैसा लेता है। मान लीजिए हम बिल बनाए, हम कौन, आप कौन, आपके ऊपर बिल बनाया, आप कौन, पैसा लेने किसी और व्यक्ति को भेज दी। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आलिया बिल बनाई कालिया के ऊपर, कौन बनाई, आलिया, किसके ऊपर, कालिया के। यहाँ पे ड्रॉअर कौन है, आलिया, और ड्रॉई कौन है, आलिया, और पैसा लेने रणबीर कपूर को भेज दिए, ये कौन हो गया बताइए। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो ये भी होता है कि बोथ बोथ ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन, ड्रॉअर पे सेम पर्सन भी हो सकता है। मान लीजिए हम ही बिल बनाए और हम ही पैसा लेने चले गए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि समटाइम्स ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन, कभी कभी ड्रॉअर और पे दोनों एक ही आदमी हो जाता है। आप ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो सम समझ नहीं आएगा आपको, बात समझे, सम्स तो खैर एमसीक्यू में उतना रहेगा भी नहीं, बट कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा आपको। जल्दी बताइए, जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर, जो बनाता है, ए, जो बनाता है ड्रॉअर, जिसके ऊपर, जो पैसा लेता है, पे, जो पैसा लेता है, पे, जो बिल बनाता है, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर, जो बनाता है, जो पैसा लेता है, पे, जो पैसा लेता है, पे, जो बिल बनाता है, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर, जो बिल बनाता है। माइंड का इंपेशेंस लेवल रखिए ना, समझना होगा ना आपको, जल्दी बताइए, जो बिल बनाता है कौन, जिसके ऊपर बनाता है, जो पैसा लेता है, यस और नो, लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, बोले लिखिए, देयर आर थ्री पार्टीज, देयर आर थ्री पार्टीज, देयर आर
कितना पार्टीज, थ्री पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. देर आर थ्री पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसका राइट पॉइंट नंबर ए लिखिए. ड्रॉ अर, स्पेलिंग बोले क्या? पॉइंट नंबर बी लिखिए. ड्रॉ ई. पॉइंट नंबर थ्री लिखिए. पे ई. हो गया वो? तो क्या क्या हो गया बताइए. ड्रॉअर, ड्रॉई और पे. अब ड्रॉअर के सामने लिखिए, प्लीज लिखिए ना, लिख दिए. ड्रॉअर के सामने लिखिए, बोले लिखिए. द पर्सन हु ड्रॉज, एक लाइन में एकदम. द पर्सन हु ड्रॉज, जो आदमी बनाता है क्या? बिल. क्या बनाता है? यस. द पर्सन हु ड्रॉज, ड्रॉज क्या? बिल. ड्रॉज क्या? बिल. यस. ड्रॉई के बारे में लिखिए. The person on whom, the person on whom bill is drawn, जिसके ऊपर बनाते हैं वो कौन है? ड्रॉई. और पे के बारे में लिखिए, बोले फिर से बोले क्या बाबू? ड्रॉअर के बारे में द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई क्या? द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन. और पे के बारे में लिखिए. द पर्सन हु कलेक्ट्स द मनी, जो आदमी लेता है पैसा. क्या लेता है? द पर्सन हु कलेक्ट्स द मनी. देखिए जरूरी नहीं है कि एक बात समझिए, जरूरी नहीं कि ड्रॉअर और पे हमेशा अलग ही होगा, सेम भी हो सकता है. हम ही बिल बनाया, हमें जाके पैसा ले लिया. ये एक सिनेरियो बनाएगा कि पे मतलब कोई तीसरा आदमी अगर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पे. यस नो गाइस? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं. ड्रॉ, ड्रॉई, पे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. इंडियन लॉ के हिसाब से देखिए, जैसे आज हम आपके ऊपर बिल बनाए, सुनिएगा. मान लीजिए हम आपके ऊपर आज बिल बनाए, आप ही मान लीजिए बिल बनाए और आप ही जाके पैसा लेंगे, क्या प्रॉब्लम? नॉर्मली आपको सुनकर इंटरेस्टिंग लगेगा, 99% केसेस में ऐसा ही होता है. अब ऐसा तो नहीं कि बिल हम बनाएंगे पैसा लेने के लिए किसी और को भेजेंगे. 99% टाइम में आदमी खुद बिल बनाता है, खुद पैसा लेने आता है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी और आदमी को भी भेज दिए, तो वो एक सिनेरियो है. अच्छा, अब यहां पर है इंडिया के इंडियन लॉ में बोला गया, जैसे आज बिल में होता क्या सीन देखिए. बिल में एक मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है. मेच्योरिटी का मतलब होता है पैसा कब मिलेगा. जैसे मान लीजिए आज आपके ऊपर बिल बना, तो आप बोले कि भैया हम आपको 3 महीना बाद पैसा देंगे. कितना महीना पैसा देंगे? 3 महीने. कितना महीना बाद पैसा दोगे? 3 महीना बाद आप हमको पैसा दोगे. तो आप हमको, आपको ऊपर बिल कब बना है? आज. और पैसा आप हमको कब दोगे? 3 महीना. तो मेच्योरिटी पीरियड कितना महीना हो गया? 3 महीने. कितना महीना? 3 महीना. मेच्योरिटी पीरियड इज क्या? तो मेच्योरिटी पीरियड इज अ पीरियड आफ्टर विच द पेमेंट विल बी रियलाइज. मेच्योरिटी पीरियड वो पीरियड है जिसके बाद आपको पैसा मिलेगा. बट इंडिया के लॉ में कहा गया है कि मेच्योरिटी पीरियड जो भी होगा, 2 महीना 3 महीना, उसमें 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा. कितना दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा? 3. अगर आपके स्कूल में होगा तो आप सुने होंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा. उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस. क्या बोलते हैं बाबू? एमसीक्यू पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेज ऑफ ग्रेस? तो डेज ऑफ ग्रेस आर द 3 एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड टू मेक द पेमेंट इन एडिशन टू द मेच्योरिटी पीरियड. मतलब मेच्योरिटी पीरियड के अलावा 3 दिन जो एक्स्ट्रा दिया था, उस 3 दिन एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस. एमसीक्यू पूछेगा कि इन इंडिया डेज ऑफ ग्रेस कितना दिन होता है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन. कितना होगा? 3. अब देखो कि जब भी हम मेच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे, अब देखो कि हर कैलकुलेशन में लास्ट में 3 जोड़ देंगे. तो उस दिन आप ये मत पूछना हमसे कि 3 कहां से जोड़ दिए, क्योंकि हम लोग का देश का लॉ में ये लिखा गया है कि जब भी बिल बनेगा आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे. एक्स्ट्रा मतलब जैसे बात समझिए, हम आपसे पूछे कि आप पैसा कब दोगे, तो बोले भैया हम फ्राइडे को पैसा देंगे. हमें ठीक है, जाओ 3 दिन तुमको और दे दी. तो ये 3 दिन जो आपको हम दिए, इसको बोलते हैं दया का दिन. हिंदी में क्या बोलते हैं? दया का. इंग्लिश में हो गया डेज ऑफ ग्रेस. ग्रेस मतलब दया. तो दया का दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा. किसका दिन बताइए? दया. आपको हम दया से आउट ऑफ लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, जाओ 3 दिन और, जाओ 3 दिन और मौज करो, जाओ 3 दिन एक्स्ट्रा दे दी. तो ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस. लिखिए, बोले अगला कॉन्सेप्ट लिखिए. कॉन्सेप्ट नंबर 7 लिखो. डेज ऑफ ग्रेस लिखो. डेज ऑफ ग्रेस रेफर्स टू, डेज ऑफ ग्रेस
refers to the 3 extra days of grace refers to the 3 extra days allowed along with maturity date के साथ आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, और जो 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डेज ऑफ ग्रेस। क्लियर है गाइस? अब देखिए कॉपी में हेडिंग दीजिए बड़ा सा, कैसे हेडिंग हो गए? बड़ा सा हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। सम से कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। यस, मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी डेट कैसे निकालोगे बाबू? इसके ऊपर तो एक तो एमसीक्यू आएगा ही आएगा मैच्योरिटी पीरियड। इसी को लॉगिन करिए, इसमें डिटेल भेजिए ना। चलिए एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। लिखिए एक्स, प्लीज लिखिए एक्स एक्स ड्रॉज बिल ऑफ ₹50,000 ऑन वाई ऑन 1st January 2024 for the period of 3 months find maturity date निकालिए ना। maturity date निकालिए ना। देखिए क्वेश्चन लिख भी दिए x draws bill of ₹50,000 on y on 1st January 2024 for the period of 3 months find maturity date। हो गया? अब ये सम्स है, तो समझे ना कैसे सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर बात करते। लिख लियो? नहीं सर। देख हो गया? देख बिल्कुल रख दे, आ जाओ। देखिए बिल कौन बनाया है, इधर देखो ना, बिल कौन बनाया है? एक्स। किसका ऊपर बनाया है? वाई। हाँ, से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे, किसी को बोलिएगा मत। यहाँ पे ड्रॉअर कौन है? एक्स। ड्रॉई कौन है? वाई। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, हु इज द ड्रॉअर? एक्स। हु इज द ड्रॉई? वाई। एक्स ड्रॉअर क्यों है? अगर मान लीजिए ट्यूशन से बाहर निकले और आपका बाबू आपको हाथ थाम के पूछे कि बाबू बोलो ना एक्स ड्रॉअर क्यों है, तो क्या बोलोगे? क्योंकि बिल कौन बनाया था? एक्स। और वाई ड्रॉई क्यों है? क्योंकि वाई के ऊपर बनाए थे। किसके ऊपर बनाए थे? वाई। जो बनाया इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉअर। जिसके ऊपर बनाया, ड्रॉअर। क्लियर है गाइस? ये पहले आइडेंटिफाई करना सीखिए, ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है। अब आपको इस सम्स में बोला है मैच्योरिटी डेट निकालोगे, कब पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है। पहले क्या करेगा, जिस दिन बिल बनाया उसका डेट लिख लो। बिल कब बनाया? 1st January 2024। उसके बाद कितना महीना के लिए बनाया? 3। तो देखो बाबू इधर देखिए, प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दोगे समझ जाओगे। अच्छा फॉर्मेट देखिए, ये डेट होता है, ये मंथ होता है, और ये क्या होता है? ईयर। हाँ कि नहीं? यस और नो? एकदम बच्चा बच्चा समझ जाओगे अगर ध्यान दोगे तो। ये डेट होता है, ये मंथ होता है, ये ईयर होता है, हाँ कि नहीं? तो अगर हमको मंथ में कोई चीज ऐड करना होगा तो हम बीच वाला में करेंगे ना। कौन वाला में करेंगे? बीच वाला। तो कितना महीना है? 3 महीने। तो ये हो गया आपका, इसको जोड़ते हैं 1/4/2024, और उसके बाद हमेशा 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करें, तो दिन पहला वाला में करेंगे ना, तो कितना हो गया? 4/4/2024। ये हो गया मैच्योरिटी डेट। कौन सा डेट बताइए? फिर से एक बार, बिल किस दिन बनाए हो? 1st तारीख को। उसमें कितना महीना के लिए बनाया हो? 3। तो 3 को किससे ऐड करोगे, डेट में कि मंथ में? मंथ में। तो आ गया 1/4/2024। इसके बाद क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आप एकदम चुपचाप से किसी को बोले भी ना 3 दिन ऐड कर दें। कितना दिन ऐड कर दोगे? 3। कितना दिन ऐड कर दोगे? 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं जिनको सही से लॉ पता नहीं, वो बोलेगा 1 तारीख को आंसर होगा, ऑप्शन में 1 तारीख भी दिया रहेगा, बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 4 तारीख। तो इसका मैच्योरिटी डेट क्या हो गया? 4/4/2024। जल्दी से उतारिए फिर, एक तो आप लोग बना उतारू ना प्लीज।
किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे बाबू। देखो गाइस कितना तारीख आज जब भी आप बनाना ना एकदम ऐसे फॉर्मेट में करोगे गलती कभी नहीं होगी, आप रफ में फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। अब देखो धीरे धीरे ये ओरली आपको याद हो जाएगा। 1 अप्रैल को बिल बनाए, 3 दिन है, 3 महीना ऐड किए तो कितना हो गया, 1 जनवरी को बिल बनाए, 3 महीना ऐड किए, 1 अप्रैल हो गया, और एक्स्ट्रा कितना दिन किए, 3, तो कितना हो गया 4/4/2024। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट एक तो आप लोग करके दिखाई, फिर इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, ट्रिकी कैलकुलेशन है, वो आपको अगला दिन कराएंगे। एक तो आप करके दिखाई, रेडी रेडी लिखिए, बोले देखिए, पी ड्रॉज बिल ऑन क्यू, पी बनाया बिल किसके ऊपर, क्यू का। अच्छा ड्रॉअर कौन है, पी, ड्रॉई कौन है, क्यू, जीनियस यार। पी बनाया बिल किसके ऊपर, क्यू, ड्रॉअर कौन है, पी, ड्रॉई कौन है, क्यू, क्या बात है, ड्रॉअर है पी, ड्रॉई है क्यू, ऑन डेट लिखिए, ऑन 4th March 2024, ऑन 4th March 2024 अमाउंट नहीं लिख रहे, डायरेक्ट डेट लिखिए, 4th March 2024 फॉर 2 months, 2 महीना के लिए, फॉर 2 months फाइंड मेच्योरिटी डेट। निकाल के चिल्लाना नहीं कि मेरा हो गया, सबको करने दीजिए, उसके बाद फाइंड मेच्योरिटी डेट, ठंडा दिमाग से करिए और सही करिए। बोलो नहीं, मन में रखो बाबू, कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों सबको करना है। देखो प्लीज बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे ट्रिकी कैलकुलेशन है जो आपको अगला दिन कराएंगे। कितना देखिए, अस्ते कितना तारीख बाबू, 1/4/2024 4/3/2024 वही तो पूछे आप लोग से, बोलिए 4 March 2024 ये है ना। अब देखिए प्लीज, अब आपको बताना नहीं होगा कितना महीना, 2 महीना, तो देखिए मंथ के साथ ऐड कर दिए 4/5/2024 और चुपचाप से 3 दिन ऐड कर दिए 7/5/2024। किसके साथ सही था, एक बार हार उड़ाइए ना प्लीज, इसमें गलत होने कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।